लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी सफलता लगी है। जी हां, पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ऑटो से बिक्री के लिए ले जाई जा रही 21 पेटी देसी शराब के साथ दो चोरों को किया गिरफ्तार। बता दें, पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 90,000 रुपए आंकी गई है। फिरोजाबाद के थाना टूंडला पुलिस की गिरफ्त में खड़े युवकों के नाम हैं दिलीप विकास यादव और दो दिन पूर्व टूंडला क्षेत्र के बसई रोड स्थित देसी शराब के ठेके से 24 पेटी चोरी कर ली गई थी, जिसमें से आरोपियों ने 3 पेटियों को 2500 रुपए में बेच दिया। बाकी बची शराब की किस पेटियों को शातिर चोर एक ऑटो में रखकर एटा रोड पर पछोखरा की ओर जा रहे थे, तभी टूंडला इंस्पेक्टर रामेंद्र शुक्ला के निर्देशन में की जा रही चेकिंग को देख आरोपी ऑटो दूसरी ओर ले जाने लगे। तभी पुलिस ने शक के आधार पर ऑटो को घेर लिया और ऑटो में रखी 21 शराब की पेटियों के साथ दिलीप और विकास यादव को पकड़कर थाने ले आए। पुलिस ने आज मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि दिलीप एक शातिर किस्म का अपराधी है, जिस पर करीब 10 मुकदमे दर्ज हैं और पकड़ी गई शराब की कीमत 90,000 रुपए आंकी गई है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों को आज जेल भेज दिया है। अरे आ जाओ दरोगा जी, आओ। हेलो सर, शराब पकड़ी गई है, किस तरह, कितने लोग पकड़े गए हैं साथ में, कितनी शराब है और किस तरह का ये अभियुक्त थे जो पकड़े गए हैं चेकिंग के दौरान? आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि थाना क्षेत्र टूंडला में बसई रोड पर एक ठेके से शराब चोरी हो गई थी, जिसे मुकदमा पंजीकृत था। 24 पेटी शराब चोरी होने के संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत था। इससे संबंधित दो अभियुक्त आज गिरफ्तार किए गए हैं। उनकी निशानदेही से 21 पेटी शराब बरामद हो गई है और उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। सर, लगभग कितने की शराब थी और सर किस तरह के अपराध? ये लगभग अनुमानित कीमत इस शराब की 90,000 रुपये है और ये टेट्रा पैक शराब कनेक्ट हुई है, जो वहाँ से चोरी हुई है शराब, वही सील इस पर पाई गई है। सर, ये अभियुक्त पकड़े गए किस तरह के अपराधी हैं सर, और क्या पहले भी कोई आपराधिक घटना अंजाम दे चुके हैं? इन अभियुक्तों का काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास है, जो आपको अभी इस नोट में दिया जा रहा है।